विटामिन B12 आपके शरीर के लिए बहुत ही जरूरी विटामिन है, जो बॉडी के बहुत सारे और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस को चलाने के लिए, खास तौर से आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी विटामिन होता है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, और हम पहले शुरुआत करेंगे विटामिन B12 की कमी के लक्षण क्या हो सकते हैं, और आपको वो कौन कौन से वेजिटेरियन भोजन है जिससे आपको विटामिन B12 की मात्रा मिल सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि विटामिन B12 की कमी से एक्चुअल में दिक्कतें क्या होती हैं, लक्षण क्या होते हैं इसके, और बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे कॉमन है थकावट, फटीग। आप थकावट महसूस करने लगता है मरीज अगर विटामिन B12 की कमी होती है। उसके अलावा मरीज को उल्टी का मन, नौजिया, मतली जैसे लक्षण आते रहते हैं, और मरीज का वजन कम होना शुरू हो जाता है। मुंह के अंदर जल्दी जल्दी छाले आना, जिसको मुंह आना भी कहते हैं, या एप्थस अल्सर्स का डेवलप हो जाना, वो जल्दी से ठीक नहीं होते अगर आपको विटामिन B12 की डिफिशियंसी लगातार बनी रहती। तीसरा, खून कम बनना, क्योंकि विटामिन B12 जो है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अगर विटामिन B12 आपके शरीर के अंदर कम होगा तो फिर आपको मैक्रोसाइटिक एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपके अंदर खून नहीं बनेगा, जिससे आप पेल दिखेंगे, आपका स्किन का जो है वो ग्लो चला जाएगा, ये सारे लक्षण आएंगे। उसके अलावा विटामिन B12 की कमी से कॉन्स्टिपेशन भी होता है, और आपको गैस ज्यादा बनने लगता है, इनडाइजेशन भी होता है। अब बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल लक्षणों के बारे में। एक्चुअल में विटामिन B12 आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम या जितनी भी नसें हैं आपके शरीर के अंदर, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही जरूरी विटामिन होता है। अगर विटामिन B12 की कमी है तो मरीज को पैरालिसिस तक भी हो सकता है। तो इसके जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं उसमें बहुत कॉमन है, जैसे पैरों में झंझनाहट होना, जल्दी हाथ पैरों का सुन्न हो जाना, एडियोमर, पैरों में दर्द महसूस होना, सर में भारीपन रहना, हेडेक जल्दी जल्दी होना, और कुछ केसेस में विजन की प्रॉब्लम होना, यानी कि नजर पे भी आपके देखने की क्षमता पे भी उसका असर पड़ना। उसके अलावा विटामिन B12 की कमी से मेमोरी लॉस भी होता है, आपको चीजें जल्दी से याद नहीं रहती है, आप भूलने लगते हैं। इसकी वजह से मूड स्विंग्स होते हैं, और मरीज जो है वो डिप्रेशन में भी चला जाता है, और बड़ा कॉमन है विटामिन B12 की वजह से डिप्रेशन में चले जाना। और एक और बड़ी बात कि अगर विटामिन B12 की वजह से जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं या जो कमियां पैदा हो जाती हैं, उनको रिवर्स करना, वापस ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए विटामिन B12 की डिफिशियंसी या कमी बिल्कुल भी ना होने दें। अब सवाल घूम फिर के वही आ जाता है कि फिर वेजिटेरियंस क्या करें, वेजिटेरियंस क्या खाएं। अगर नॉन वेज फूड में ही विटामिन B12 होता है, तो ऐसे वेजिटेरियन फूड कौन कौन से हैं जिनको वेजिटेरियंस खा के विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो एक एक करके हम उन भोजनों के बारे में बात करेंगे जो वेजिटेरियन लोग खा सकते हैं और विटामिन B12 की डिफिशियंसी को कम कर उसमें सकते जो हैं। सबसे पहला फूड आइटम होता है, जो प्रोडक्ट होता है, वो होता है दूध। दूध का एक गिलास करीब आपको दिन भर की 50% विटामिन B12 की जो जरूरत होती है उसको पूरा कर सकता है। तो वेजिटेरियन लोग रोजाना एक गिलास दूध जरूर पिए, जिससे आप विटामिन B12 डिफिशियंसी को ओवरकम कर सकते हैं, विटामिन B12 की कमी को दूर कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे उसमें दही है, पनीर है, या दूसरे जो दूध से बने प्रोडक्ट्स हैं, वो भी आप अपने भोजन में इस्तेमाल करें, तो विटामिन B12 आपको अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। उसके अलावा कुछ सब्जियां हैं जिनके अंदर विटामिन B12 पाया जाता है, बहुत ज्यादा नहीं होता लेकिन होता जरूर है, बट अगर आप लगातार इन सब्जियों को सब्जी के तौर पे, सलाद के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तो आप विटामिन B12 की डिफिशियंसी को या कमी को आसानी से पूरा कर सकते हैं। उसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो होता है पालक का। पालक के अंदर विटामिन B12 काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ये ध्यान रखें कि पालक को काटने से पहले ही धुल लें। अगर आप पालक को काटने के बाद धुलेंगे तो उसका विटामिन B12 निकल जाएगा, क्योंकि विटामिन B12 जो है वो वाटर सोल्यूबल होता है, पानी में मिल जाता है। तो इसलिए पालक को काटने से पहले ही धुलें, और उसके बाद फिर उसको काटें और उसकी सब्जी बनाएं या आप सलाद के तौर पर इस्तेमाल करें, तो इससे भी आपका विटामिन B12 की कमी काफी हद तक पूरी हो जाएगी। उसके अलावा चुकंदर, गाजर,
इनके अंदर भी विटामिन B12 की मात्रा पाई जाती है। आप दोनों को सलाद के तौर पे, सब्जी के तौर पे, कच्चे जैसे भी आप खाना चाहें वैसे खा सकते हैं। तो आप अपनी रूटीन डाइट में चुकंदर और गाजर का इस्तेमाल बढ़ा दें। चने के अंदर भी विटामिन B12 पाया जाता है। उसके अलावा एक जो बड़ा सोर्स होता है, बट इसमें थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो होता है स्प्राउटेड दालें। जो भी दालें हैं, चने भी हो सकते हैं, मसूर, मूंग, इस तरह की जो दालें हैं, उनका कम से कम 24 से 48 घंटे का स्प्राउटेड दालें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इनके अंदर विटामिन B12 काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। स्प्राउट्स कैसे बनाएं ये आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में जाके या डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिल जाएगा जो मैंने पहले बनाया था, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर विटामिन B12 की कमी लगातार बनी रहे तो उसके बड़े नुकसान क्या हो सकते हैं, उसमें होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो हमने बात की कि आपकी जो नसें हैं वो काम करना छोड़ देती हैं। मरीज को पैरालिसिस हो सकता है, आपको यूरिन या आपका जो टॉयलेट है वो इनकॉन्टिनेंस हो सकता है कि अपने आप ही निकलना शुरू हो जाए, आपका कंट्रोल चला जाता है मरीज का यूरिन से, पेशाब से और टॉयलेट से, बिस्तर में ही वो पेशाब टॉयलेट कर लेता है। उसके अलावा मर्दों में इरेक्टाइल डिसफंक्शंस भी हो जाता है और मेमोरी लॉस हो जाता है। तो ये इसके बड़े नुकसान है, इसलिए विटामिन B12 की कमी को पूरा जरूर करके रखें। उसके अलावा विटामिन B12 की सप्लीमेंट्स भी आते हैं, बट उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। अपने डॉक्टर की सलाह से आप विटामिन B12 के टैबलेट, कैप्सूल या दूसरे सोर्सेज से जो विटामिन B12 मिल सकता है उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जानकारी भरा लगा होगा, आपने ज़रूर इससे कुछ सीखा होगा। अगर वाकई ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कर लेना वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें, सो दैट इस तरह की हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको समय पर मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।